দুর্গাপুরে ইস্পাত নগরীর তিলক ময়দানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সভা। भाइयों को मन पूर्वक श्रद्धांजलि देकर मेरी बात की बात करते हैं। भाइयों बहनों, आप सभी लोग यहां पर भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यहां से हमारे प्रत्याशी दिलीप घोष जी है। दिलीप का बंगाल में भारतीय जनता पार्टी बढ़ी, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, हमारे बड़े नेता है दिलीप दा। भाई और बहनों, मैं आज एक बात बताने आया हूं। आप जब दिलीप दा के नाम पर, कमल के निशान पर जब बटन दबाओ, तब एक बात याद रखना, आपका दबाया हुआ एक एक वोट नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने वाला है। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है देश के अर्थतंत्र को दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंचाने का काम करना। नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है देश में से आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त कर देना। 3 करोड़ गरीब बहनों को लखपति दीदी बनाना। भाइयों बहनों, मोदी जी ने 10 साल में करोड़ों गरीबों के जीवन में नया उजाला फैलाने का काम किया है। भाइयों बहनों, मैं आज आपको पूछना चाहता हूं, ये राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? एक कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस 70 साल से राम मंदिर को अटका रहे थे, भटका रहे थे, लटका रहे थे।